हैदराबाद पुराने शहर में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की हिदायत पर साउथ जोन डीसीपी गजाराव भोपाल ने आज भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में कॉटन सर्च ऑपरेशन की गई है, जिसमें एसीपी संतोष नगर के साथ साथ भवानी नगर इंस्पेक्टर और भवानी नगर की सारी टीम और एसीपी संतोष नगर डिवीज़न की सारी टीम ने मिलकर और एआर कांस्टेबल दिगर पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने मिलकर भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में कॉटन सर्च की है। बाद हजार मीडिया से बातचीत करते हुए साउथ जोन के डीजीपी डॉक्टर गजाराव भोपाल ने कॉटन सर्च ऑपरेशन की तफसीलात बताए हैं। कॉटन सर्च इसलिए किया जाता है कि रोडी शीटर्स और गलत एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए एक रास्ता है और आवाम और पुलिस के दरमियान में ताल्लुक बनने के लिए भी वो एक रास्ता है। इसके लिए हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की हिदायत पर कॉटन सर्च शुरू की गई है और उन्होंने बताया है करीब इस भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में 18 रोडी शीटर्स है, जिसमें से 12 एक्टिव है और दीगर लोग भी है। उन रोडी शीटरों को बुलाकर यहां पर काउंसलिंग की गई है, साथ ही में वहां पर 49 गाड़ियों को सीज किया गया है और एक ऑटो को, जुमला 50 गाड़ियों को सीज किया गया है, जिसके गाड़ियों के डॉक्यूमेंट सही नहीं होने की वजह से और कई जगह पर गाड़ियों पर नंबर नहीं होने की वजह से इस गाड़ियों को सीज किया गया है। डीसीपी ने बताया है इस डॉक्यूमेंट्स देखकर जिसके पास सही डॉक्यूमेंट्स दस्तिया है उनकी गाड़ी को रिलीज भी किया जाएगा और उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की है जब भी आपके एरिए में कोई भी ऐसा मसाइल होता है फौरी मुकामी पुलिस को या 100 को इत्तला दे और पुलिस हर वक्त आपके साथ थी है और रहेंगी, उन्होंने ये कहा है। इस प्रोग्राम में साउथ जोन डीसीपी डॉक्टर गजाराव भोपाल के साथ साथ एसीपी संतोष नगर और इंस्पेक्टर भवानी नगर और एआर कांस्टेबल और दीगर पुलिस कांस्टेबल ऑफिसरों ने हिस्सा लिया है। हमारे नुमाइंदे सीनियर जर्नलिस्ट सैयद सईद खादरी की खास रिपोर्ट। आज भवानी नगर पुलिस स्टेशन तालाब कट्टे एरिया में साउथ जोन पुलिस की ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन यहाँ पे चली है। इसमें संतोष नगर एसीपी शर्मा साहब, इंस्पेक्टर भवानी नगर अमजाद अली और पूरे संतोष नगर डिवीज़न के पूरे फोर्स इसमें हिस्सा लिए। इस ऑपरेशन का मकसद है एक कम्युनिटी में जो पुलिस का प्रेजेंस दिखाना, कम्युनिटीज़ है जो रिलेशनशिप उसको बढ़ाना है और जो राउडी शीटर्स और अनलॉफुल एलिमेंट्स जो रहते हैं इस एरिया में उसको एक वार्निंग की तरह भी ये रहती है, उनको काउंसिल करना। उनको पेरेंट्स को भी हम आज काउंसिल किए और जो इसके साथ जो अदर एक्टिविटीज़ चलती है जैसे यहाँ पे गंजा की भी एक्टिविटीज़ और वाइटनर्स भी, ऐसे एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए ये ऑपरेशन लगाए गए। पहले भी हम करते थे लेकिन बीच में जो कोविड की वबा आई इसकी वजह से ये रुक गई और अभी जो कम हो गया कोविड फिर से हम इसको शुरू किए और यहाँ अभी आज टोटल 18 राउडी शीटर्स को यहाँ पे हम काउंसिल किए और इसके अलावा जो व्हीकल्स है जिसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, नंबरिंग अच्छी तरफ नहीं है, उनको भी हम सीज करके वेरीफाई करके अगर सब कुछ ठीक निकला तो छोड़ देंगे। इसमें अभी तक एक ऑटो और 49 व्हीकल्स को भी
जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उनको हम यहाँ पे सीज किए। और इसमें पूरे हिस्सा लेने वाले संतोष नगर डिवीजन, स्पेशली भवानी नगर पुलिस स्टेशन और एआर के कांस्टेबल जो है बहुत मेहनत के सीपी साहब की तरह से उनको बधाई दे। तो 44 राउडी शूटर्स एक्टिव, 12 एक्टिव राउडी शूटर्स है। इसमें अभी दो यहीं पे हैं, उनको भी लाए और पूरे एरिया में टोटल 18 राउडी शूटर्स का आज कॉन्सेप्ट है। ईरोजु संतोष नगर डिवीजन भवानी नगर पुलिस स्टेशन तालाब कटलो ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन చేయడం జరిగింది। ఇందులో మన సంతోష్ నగర్ ఏసీపీ శర్మ గారు అలాగే అంజాద్ అలీ ఇన్స్పెక్టర్ భవానీ నగర్ మరియు సంతోష్ నగర్ పోస్ట్ అంతా కూడా ఇందులో పాల్గొనడం జరిగింది। దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకి పోలీస్ ప్రెజెన్స్ చూపించడము, వారికి భరోసా కల్పించడము, అలాగే చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు ఈ గాంజా కానీ వైట్నర్ తాగేవాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా హెచ్చరిక ఉంటుంది। రౌడీ షీటర్స్ని కూడా ఈ ప్రాంతంలో కౌన్సిల్ చేయడం జరిగింది। మొత్తం 18 మంది రౌడీ షీటర్స్ని కౌన్సిల్ చేయడం జరిగింది। దీంతోపాటు ఇక్కడ వెహికల్స్కి ప్రాపర్గా డాక్యుమెంటేషన్ అది లేని వాటిని కూడా కొన్నిటిని సీజ్ చేయడం జరిగింది। మొత్తం అలా ఒక ఆటో 49 వెహికల్స్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది। ఇంతకుముందు మనం ఇలా చేసినప్పుడు ఇలాంటి వెహికల్స్లో కొన్ని దొంగతనం చేసినటువంటి వెహికల్స్ కూడా ఉన్నట్టు అప్పుడు గుర్తించి జరిగింది। దీని ఉద్దేశంగా ఇవన్నీ కూడా సీజ్ చేసి చెక్ చేయడం జరుగుతుంది।